कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। आपने कई बार छोटे बच्चों को होटल पर, दुकानों पर या फिर सड़कों पर काम करते देखा होगा। 14 साल से कम के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है, इसके लिए सजा का प्रावधान है। आज के बाद यदि किसी छोटे बच्चे को आप कहीं पर काम करते देखें, तो एक बार उससे जरूर पूछें कि क्या उसको आपकी मदद की जरूरत है, और यदि हाँ तो उसकी मदद जरूर कीजिए। लोग आपको धोखा देते रहेंगे जब तक आप उन्हें मौका देते रहेंगे। जिंदगी में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार ही बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। यदि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग आपको फेसबुक पर नहीं गूगल पर ढूंढे। दूसरों को सोता देख जो आज जाग कर पड़ती है, वो हमेशा सब पर राज करती है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोले और आपको सच पता हो। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से याद करेगा। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देने में देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है। बेशक जहर दे देना सीधा, लेकिन कभी किसी को झूठी उम्मीद मत देना। जरूरी नहीं कि सुंदर लोग दिल के भी अच्छे हो, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा खूबसूरत होता है। आज जो दर्द सह रहे हो कल वही आपकी ताकत होगी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में कभी बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, मध्यम व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, और अमीर इंसान को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए समाज हमेशा ऐसे ही रहता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। अपनी किस्मत को खुद ही लिखना पड़ेगा, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, उसी दरवाजे से प्यार और विश्वास बाहर चला जाता है। उतना कहा करो जितना सुन सको, लोग भी मुंह में जुबान रख। अगर आपको पूरी दुनिया देखनी है तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक झूठे इंसान से प्यार कर लो, वही काफी है। वो आपको मतलब की, स्वार्थ की, धोखे की ऐसी ठोकर देगा कि आपको पूरी दुनिया समझ आ जाएगी। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और अब ऐसे नफरत जताते हो जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं थे। उम्र भर यही गलती करते रहे आप, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे आप। आप कल तलाशते रहे दिन भर, और शाम होते होते आपका आज डूब गया। जो लोग खुद अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। गलत पासवर्ड से तो मोबाइल नहीं खुलता, फिर गलत कर्मों से सफलता का मार्ग कैसे खुल सकता है? लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन खुद कभी नहीं देखते हैं कि वो किसके हुए हैं। ये दुनिया गोल है, याद रखना। आज तुम किसी को रुलाओगे तो कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा। चिंता में रहोगे तो खुद जलोगे, और निश्चिंत रहोगे तो दुनिया जलेगी। खत्म हो ही गया उन लोगों से भी रिश्ता जिनसे मिलकर लगता था कि ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया हमें, और हमें लगता रहा कि लोग हमें पसंद करते हैं। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। आजकल ये हालात है कि फेसबुक पर तो 5000 दोस्त है, लेकिन असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। यात्रा केवल वही असंभव है जो आपने अभी तक शुरू नहीं की। जिस दिन आप उस यात्रा को शुरू कर देंगे, वो यात्रा संभव हो जाएगी। झूठ बोलने के लिए जुबा चाहिए, सच बोलने के लिए तो आंखें ही काफी है। अरे सबक वही याद रहते हैं जो वक्त और इंसान सिखाते हैं। अरे किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो उस इंसान को ढूंढने में है जो आपके लिए समर्पण करे। अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो वो चीज कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगती है। एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा, क्योंकि ये दिल वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है। बड़े महंगे किरदार है जिंदगी में, समय समय पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। अरे करनी ही थी बेवफाई तो पहले बता देते, ये दुनिया बड़ी हसीन है, हम किसी और से दिल लगा लेते। पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा एटीट्यूड किस में होता है? जिसे एक वक्त में सबने अकेला छोड़ दिया हो,
और उसने अकेला जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई रहे ना रहे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोष किसी और का नहीं है। अगर आप जिंदगी में सफल नहीं हो सके 100% दोष आपका है। कड़वा शब्द है, गंदा शब्द है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आज आपके सामने। किसी का दोष नहीं है अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिंदगी में फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ दोष। इफ द क्रॉप इज नॉट गुड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान साथ वाले खेत में क्या लहरा रही? माँ बाप की पूजा और भगवान से डरते हैं कि माँ बाप की पूजा और भगवान से डरते हैं। तेरे जैसे अकड़ दिखाने वाले ना मेरे पैर पड़ते हैं।